आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम छोटे थे चाइल्डहुड में बचपन में हमारे पास एक गुल्लक हुआ करता था। उस गुल्लक के अंदर हम एवरीडे बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसे जो है ऐड किया करते थे। कभी हम 2 रुपये ऐड करते थे, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपीज़, कभी 500 रुपीज़ तक भी ऐड किए हैं। तो क्या होता था कि हम उसमें थोड़े थोड़े पैसे जमा करते जाते थे। जब उसमें बहुत सारे पैसे जमा हो जाते थे, जब वो पूरा भर जाता था, तब हम उस गुल्लक को तोड़ते थे और वो गुल्लक में जो पैसा जमा होता था वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हुआ करता था, क्योंकि वो एक साथ इकट्ठा अमाउंट हमारे हाथ में आता था और वो अमाउंट को हम कहीं ना कहीं जो है काम में लेके आते थे, कहीं ना कहीं यूज़ करते थे। और जो वो अमाउंट जिसमें 2-2 रुपये, 3-3 रुपये, 10-10 रुपये जो है इकट्ठे होके एक बहुत बड़ा अमाउंट जब बनता था, क्योंकि वो पैसे तो थोड़े थोड़े होते थे, जो हम जो है एक्सपेंस करते थे उसी पैसे को हम उसमें यूज़ किया करते थे, उसमें ऐड किया करते थे, ऐड कर करके वो पैसा जो है उसके अंदर भर जाता था। और जब वो भरता था, भरने के बाद उसको तोड़ते थे, तो वहाँ पर जो है बहुत बड़ा अमाउंट हमारे सामने आता था जिसको हम यूज़ करते थे अपने किसी ज़रूरी काम के अंदर। तो अब की अगर बात करें तो वो गुल्लक जो है ना कहीं लैप्स हो रहे हैं, उनका यूज़ कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। लेकिन आज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुल्लक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और वो गुल्लक हर एक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी एज में हो, एज इज़ जस्ट ए नंबर्स, लेकिन वो गुल्लक को आपने ज़रूर यूज़ करना है आज से ही। वो गुल्लक्स हैं डिजिटल गुल्लक्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज के जो डिजिटल गुल्लक्स हैं वो है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट ऐप्स हो गए, जैसे कि आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर लिए, या फिर कोटक महिंद्रा या रिलायंस के अंदर अपने जो है डीमैट अकाउंट को ओपन कर लिए। ये सब कंपनीज के अंदर हम अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करेंगे, ये जो ऐप्स हैं हमारे डिजिटल गुल्लक से। या फिर इसके अलावा अगर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर कोइन DCX या बाइनांस के अंदर हम अपने अकाउंट को ओपन कर लें, वहाँ पर जो है हम लोग अपने डिजिटल गुल्लक्स जो है वो क्रिएट कर लें। तो कोइन DCX में ये फ़ायदा है कि आप 100 रुपीज़ भी अगर ऐड करते हैं तो उसके लिए भी आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, उस 100 रुपीज़ के भी आप जो है क्रिप्टोस बाय कर सकते हैं। मिनिमम जो है 100 रुपीज़ आपको ऐड करना होगा। लेकिन अगर बाइनांस की बात करें तो बाइनांस में कम से कम आपको $11 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कोई भी क्रिप्टो को बाय करने के लिए। तो आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। मेरा जो फेवरेट है वो बाइनांस है, लेकिन दोनों के जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डीमैट अकाउंट्स के भी जो लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर भी आप अकाउंट को ओपन करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। मैं अपने अकाउंट की अगर बात करूँ तो मैंने अपना अकाउंट कोटक महिंद्रा में ओपन किया हुआ है, उनकी रिसर्च अच्छी रहती है और उनकी सपोर्ट भी अच्छी रहती है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप अपस्टॉक के साथ जाना चाहते हैं तो अपस्टॉक में ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिलायंस के अंदर ओपन करना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मेरा फेवरेट जो है वो है कोटक महिंद्रा। इसके अलावा जो है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इन कंपनीज के साथ भी कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप पेटीएम मनी के अंदर अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट को ओपन कर लें, वहां पर आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के अंदर करते रहें। तो मैंने तीनों का बता दिया। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में पेटीएम मनी के थ्रू जा सकते हैं, जिसको मैं यूज़ करता हूं। अगर आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोटक महिंद्रा के थ्रू जा सकते हैं, या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो है आप बाइनांस के थ्रू जा सकते हैं। बाकी भी कंपनीज़ के जो आपको लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके साथ भी आप जाना चाहें उसके साथ आप काम कर सकते हैं। तो ये आज के डिजिटल गुल्लक्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया। हमें इन गुल्लक्स के अंदर इन जो क्रिप्टो करेंसी के ऐप्स हैं, डीमैट अकाउंट्स के ऐप्स हैं, या फिर पेटीएम मनी, या फिर म्यूचुअल फंड के किसी और ऐप के थ्रू आप जाना चाहते हैं उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये जो आपके डिजिटल गुल्लक्स हैं उसमें आपको एवरीडे बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। वो वाला अमाउंट जो आप जो है फालतू में वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं एवरीडे बेसिस पे कुछ ना कुछ अमाउंट जो है हम लोग कहीं ना कहीं वेस्ट कर देते हैं। अगर वही वेस्ट किया गया पैसा या फिर किसी और काम से निकाल कर, किसी और सेविंग से निकाल कर, या फिर वो थोड़ा थोड़ा पैसा किसी और काम से निकाल कर, जैसे कि हम लोग कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं वेस्ट करते रहते हैं खाने पीने पर, किसी एक दिन हम जो है वो पैसा वेस्ट ना करें, किसी और काम के ऊपर ना लगाएं,
वही पैसे को जो है हम लोग सेविंग में डालें, हम अपनी जो डिजिटल गुल्लक से उनके अंदर डालें, तो ये जो पैसा है ना इसका फायदा आप लोगों को क्या होगा। यहाँ पर तो आपको लगेगा कि हम 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, देखो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं अच्छे स्टॉक्स जिसकी पोस्टिंग है 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ भी होती है, लेकिन मैं यहाँ पर बोल दूँ सारे स्टॉक्स नहीं होते, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पैसा लैप्स भी हो जाता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को फिगर आउट करना पड़ता है, कंपनी का फंडामेंटल देखना पड़ता है, कंपनी की मैनेजमेंट टीम को देखना पड़ता है कि कंपनी की मैनेजमेंट सही है, फंडामेंटल सही है, कंपनी सही कर रही है, तभी हम छोटे शेयर्स जिनकी पोस्टिंग कम होती है उनको चूज कर सकते हैं। जहाँ पर आप जो है मनाकाशिया एल्युमिनियम जो कि 20 रुपीज़ का शेयर है उसको भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी शेयर बहुत अच्छा है जिसकी जो रिसेंट पोस्टिंग है 20 रुपीज़ के आसपास है। तो आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है आपको 30 रुपीज़ से ज्यादा का रेट इसमें आपको दिखाई देगा, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो फंडामेंटल है, जो इसका मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है और ये 20 रुपीज़ का शेयर है, तो इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं वो आपको रिसर्च करने हैं। तो इसके अलावा आप छोटे छोटे कॉइन्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कॉइन्स की कॉस्टिंग बहुत छोटी है उनके अंदर भी आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर उसमें तो ये होता है क्रिप्टो के अंदर आप कोई भी क्रिप्टो लेना चाहें उसमें जो भी अमाउंट डालना चाहें, अगर आप 10 रुपीज़ की भी कोई क्रिप्टो बाय करते हैं कॉइन DCX में ये वाला फैसिलिटी है, तो आप 10 रुपीज़ में बिटकॉइन भी बाय कर सकते हैं, जबकि बिटकॉइन जो है वो $50,000 का कॉइन है, लेकिन उसमें अगर आप 10 रुपीज़ ऐड करेंगे तो 10 रुपीज़ का पार्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट हैं ये सारे कॉइन्स में करते जाएं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो उसमें जो ऐसे फंड्स भी आपको मिलेंगे जिसकी आप अंदर मिनिमम 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेटीएम मनी मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें मिनिमम आप 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पेटीएम मनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये सारे ऐप्स जो हैं, ये सब ऐप्स के बारे में मैंने आपको बताया जो आज के समय के डिजिटल गुल्लक्स हैं। इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो है इधर उधर से सेविंग करके बिल्कुल लिटिल अमाउंट्स आप डालते जाइए और इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग मान नहीं सकते कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी एक टाइम पे आपके लिए। अगर आप ये मेरी बात को मान के आज से ही स्टार्ट करते हैं इन डिजिटल गुल्लक्स के अंदर मनी को सेविंग करना, बिल्कुल छोटा छोटा अमाउंट आपने सेविंग करना है जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, उस अमाउंट को उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के आप इसमें डालते जाएं, और जब बड़ा पैसा आपको मिलेगा एक टाइम पे, जो पुराना गुल्लक होता था जो पुराने समय में हम लोग यूज़ करते थे उस गुल्लक को जब हम तोड़ते थे तो उतना ही पैसा मिलता था जितना उसके अंदर जमा किया हुआ है, लेकिन उसको देख कर भी हम बहुत खुश होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो पैसा आप जमा करेंगे थोड़ा थोड़ा, जो पैसा आप ऐड करेंगे इन डिजिटल गुल्लक्स के अंदर बिल्कुल स्मॉल अमाउंट्स, जब आप एक टाइम पे इसको यूज में लाएंगे, जब इसको विड्रॉल करेंगे ना, तो विद इंटरेस्ट ये आपको मिलेगा। जो उन कॉइन्स की ग्रोथ हुई होगी, जो उन स्टॉक्स की ग्रोथ हुई होगी, जो उन क्रिप्टो करेंसीज की ग्रोथ हुई होगी, तो यहाँ पर जो आप पैसा डालने वाले हो विद ग्रोथ आपको मिलने वाला है, विद जो है आपका जो भी अमाउंट होगा उसके अंदर आपको एप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा। तो ये बात को आप याद रखिए, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट जब आप इन्वेस्ट करते हो ना तो उस अमाउंट का जो है एवरेज होता जाता है, मतलब आप किसी भी रेट पे, कभी कोई रेट पे आपने बाय किया, कभी कोई रेट पे आपने बाय किया कॉइन्स को या स्टॉक्स को या फिर क्रिप्टोस को जो भी, लेकिन यहाँ पर जो है आप चाहे एक प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, चाहे दो प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हैं, चाहे तीनों प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। अगर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और क्रिप्टो तीनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तीनों में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टू प्रोडक्ट्स को चूज करना चाहते हैं, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो को चूज कर लें, तो दोनों में आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, जैसा अभी आप चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, देखिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आगे बढ़ो, जिंदगी में तरक्की करो, आप सबके जो ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे हों और बहुत अच्छे से जो है आप अपनी लाइफ में सेटल हो। तो ये एक आइडिया था जो मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से चल रहा था और मैं सोच रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप भी जिंदगी में आगे बढ़े, पैसा जो है जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपके लिए एक यूजफुल मनी हो पाए, या फिर आप इधर उधर वेस्ट करते हैं वो मनी आपके लिए एक यूजफुल मनी बन पाए। तो ये चीज़ होती है। एक लास्ट में जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट टिप आपको बता देता हूँ। देखो हमारे घर में बहुत सारे स्क्रैप्स भी होते हैं, बहुत सारी स्क्रैप चीज़ें होती हैं, उनको भी आप जमा करते जाएं, मतलब साइड में रखते जाएं, उनको बेच के जो पैसा वहां से मिलेगा उसका भी आप क्रिप्टो बाय कर सकते हैं या फिर स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। इस तरीके से ये मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया, इस टाइप से आप और भी आइडियाज निकालिए कि क्या क्या कर सकते हैं।
सकते हैं, हम लोग कहाँ कहाँ से मनी जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं और वो मनी को हम जो क्रिप्टो स्टॉक्स में या फिर जो है म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक आइडिया था, आपका भी अपना आइडिया बताइए। मैंने आपको आइडिया दिया कि जो घर में जो स्क्रैप चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके बेच के वो पैसा जो है हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना आइडिया भी कॉमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा, आपका क्या आइडिया है और कौन से पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारा एक फालतू में वेस्ट होता है और उस पैसे को जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे ग्रोथ का कारण बन सकता है। तो ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।